हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ अभिलाषी शर्मा एक बार फिर आपके ही हित लिए अकाउंटेंसी का जो एक टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प, कुछ नया जिसके बारे में जनरली बुक्स में भी नहीं मिलता, उस टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स मूव ऑन विद मी विद टुडेज टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि अकाउंटेंसी का टॉपिक और दिलचस्प और बुक्स में नहीं है भाई, ढूंढना पड़ता है कहाँ मिलेगा, आओ जानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले बेसिक मेरी बात समझें। हम जर्नल जब इंसान किसी वर्ड्स को लिखते हैं, शब्द जिनका हम यूज़ करते हैं, उनको शॉर्ट लिखना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर DOCTOR उसको लिख देते हैं DR डॉक्टर, हम सभी जानते हैं। प्रोफेसर PROF लिखा तो पता चल जाता है प्रोफेसर के लिए यूज़ किया है भी ये। UNI लिखा तो यूनिवर्सिटी के लिए यूज़ किया है। अकाउंटेंसी में फिर इस बात का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, ध्यान से सोचो। हम भी तो DR और CR लिखते हैं अकाउंटेंसी में, जब भी जर्नलाइज करते हैं, लेजर अकाउंट की दोनों साइड पे शो करते हैं, कहीं भी DR NCR ये कॉमर्स वालों का पीछा नहीं छोड़ते, वह समझ गए डेबिट और क्रेडिट। फिर आप कहोगे भी सर इसमें क्या सीखने वाला गया है, यह सीखने वाला है, ध्यान से नहीं आपने सुना। डॉक्टर जब लिखते हैं उसमें डी और आर दोनों जो लेटर हैं वो आते हैं, DOCTOR, आर भी है और डी भी है, समझ लगा। पर डेबिट के स्पेलिंग्स को कभी सोचा, DEBIT डेबिट, इसमें आर कहां है भाई? यस, ये है रोचक बात, ध्यान से मेरी बात समझो। फिर ये DR बना कैसे, आज इसी के बारे में बात कर रहा हूं आपको। क्रेडिट का तो आपको मन में होता होगा कि क्रेडिट में बताने की क्या जरूरत है, क्रेडिट में तो सी और आर दोनों हैं तो बन गया क्रेडिट। ओके ओके ओके, अब डेबिट से शुरू करते हैं। एक बात हम सबको पता है, जो जिस चीज की खोज करता है, कोई चीज हमारे सामने पहली बार पेश करता है, वो व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी, वो स्कॉलर जिस फील्ड से है, जिस देश से है, जिस कल्चर से है, उसका इम्पैक्ट उसकी उन बातों पर पड़ता है। ये मानते हो आप? पंजाबी हो तो पंजाबी अगर इंग्लिश बोलेगा तो साफ पता चल जाता है कि ये पिंग्लिश है, जो इंग्लिश बोल रहा है पंजाबी तो लुक्स लाइक पिंग्लिश, एंड यू शुड बी प्राउड मोमेंट। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ऐसे ही जो अकाउंटेंसी है उसका जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे हम ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसके जो फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटेंसी इज लुका पिसोली बिलोंग्स टू इटली, इटली की राजधानी रोम। ये 1494 की बात है, 1494 जब उन्होंने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आए, डबल एंट्री सिस्टम। वहां रोम साम्राज्य उस टाइम में अपना बड़ा दम रखता था अभी, तो वहां की लैंग्वेज सारे कल्चर्स को इंपैक्ट करती थी, और वहां की जो बेसिक क्लासिकल लैंग्वेज थी इटली की या रोम की, वो थी लैटिन। लैटिन लैंग्वेज द क्लासिकल लैंग्वेज बिलोंग्स टू इटैलिक ब्रांच ऑफ इंडो एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो एशिया के कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज में लैटिन जो भाषा है उसका बड़ा दम देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम रोम साम्राज्य का दम था चारों तरफ, उनका राज्य चलता था। तो हम जनरली देखते हैं, जब किसी टर्म्स को देखते हैं तो पता चलता है ये वर्ड लैटिन भाषा से लिया गया। यस, Similarly, debit and credit was taken from Latin language. अब लुका पिसोली इटली का था, तो लैटिन लैंग्वेज का इंपैक्ट तो होगा, उस वहां जो वर्ड यूज किए होंगे वो वहां पर दिखेंगे। सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड आर टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड, दीज आर debere, debere को जब इंग्लिश में लिया गया, ध्यान से देखो वहां पर इसका वर्ड जो शॉर्ट फॉर्म में आ गया वो DR, डिवेरे कोई इंग्लिश फॉर्मेशन है डेबिट, बट वो शॉर्ट वर्ड DR ऐसे ही रहा। सिमिलरली जो क्रेडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड क्रिडेरे से लिया गया है, क्रिडेरे CRIDERE, ध्यान से CRIDERE, क्रिडेरे। तो ये वर्ड है डिवेरे एंड क्रिडेरे,
जो लैटिन भाषा में बन गई डेबिट एंड क्रेडिट, जो लुका पैसोली ने उस टाइम लिए, और इंग्लिश में जब लैटिन वर्ड्स को लिया गया वो डेबिट एंड क्रेडिट लिखते हैं, बट वो शोर वर्ड डी आर सी आर ऐसे ही चले आ रहे हैं, है ना रोचक बात? ध्यान रखना आगे से, डिवेरी एंड क्रेडिट, दीज आर द बेसिक रूट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, शॉर्ट फॉर्म डी आर एन सी आर, समझ लगा? और बहुत सी बातें मेरी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, अकाउंटेंसी के और इश्यूज, अब तक डिफरेंट टॉपिक पे सारा जो वीडियोज बना चुका हूँ उसमें से बहुत सी वीडियो इंग्लिश और पिंग्लिश दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश का रूप और पंजाबी और इंग्लिश का फॉर्मेशन, तो आप उनको देखते रहिए। कुछ भी जानने की नई इच्छा हो तो चैनल पे नई वीडियोस, इकोनॉमिक्स कॉमर्स के बहुत से सब्जेक्ट्स और बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस यहाँ पर आपके साथ लेने वाला हूँ, तब तक इंतजार कीजिए, थैंक यू वेरी मच।